तो नाउ विल स्टडी द ग्राउंड्स ऑन विच एन एमपी और एमएलए हैज टू वेकेंट हिज सीट्स ऑफ हिज मेंबरशिप फ्रॉम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस मे बी. सो इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्राउंड्स ऑन विच द मेंबरशिप हैज स्टैंड डिसक्वालिफाइड विच इज बीन मैंशनड इन आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. In addition to that, we have also studied the grounds of defection, which is mentioned in 10th schedule and anti-defection of 1985 passed by the parliament. So the grounds of defection on which the membership stands disqualified. Now we'll study the grounds on which the seat become vacant. So membership doesn't stand disqualified, but the seat, the person who is occupying that seat has to vacate his seat. What are those grounds? We will see today. So, the grounds on which MPs and MLAs have to vacate their seats, we will see in the next slide. So, as you know, that if an MP or MLA resigns by addressing, by submitting his resignation to the, so if you are MP of Lok Sabha, you must submit your resignation to Speaker. Or if you are MP of Rajya Sabha, then you must submit your resignation to the Chairman of Rajya Sabha as the applicable. So, on account of resignation, you have to vacate your seat. In addition to that, if a member has remained absent, तो अगर आप 60 दिन तक absent रहते हो from the sitting of the house, ठीक है, लेकिन उसमें एक एक clause है कि इसमें वो period count नहीं होगा जिसमें जो house है वो adjourned या prorogued है. So adjourned है या फिर prorogued, prorogued मतलब indefinite time तक के लिए adjourned for more than 4 days consecutively. 4 दिन से कम में एडजर्न हुआ है तो आपका काउंट काउंट होगा, वो डे भी काउंट होगा विदाउट परमिशन. सो अगर 4 दिन से कम एडजर्न है तो वो पीरियड काउंट हो जाएगा, और 4 दिन से ज्यादा एडजर्न है तो पीरियड काउंट नहीं होगा कंसेक्यूटिवली. सो कंसेक्यूटिवली पीरियड काउंट होगा, अगर टुकड़ों में है तो भी तो काउंट हो जाएगा, और कंसेक्यूटिव 4 दिन से ज्यादा एडजर्न है, और अगर टुकड़ों में दो दो दिन के लिए एडजर्न है तो वो काउंट से ज्यादा के लिए एडजर्न है कंसेक्यूटिवली तो पीरियड काउंट नहीं करेंगे एडजर्न वाला पीरियड जिस दिन सिटिंग नहीं है, और अगर 4 दिन से कम वो एडजर्न हुआ है ये कंसेक्यूटिव 4 दिन नहीं है तो वो पीरियड काउंट हो जाएगा 60 डेज कैलकुलेट करने के लिए. Without permission, if you are remained absent for 60 days, then your seat became vacant. If a member has been elected as president, vice president या governor आप elect हो जाते हो तो आपकी seat vacant मानी जाएगी. और साथ में आप लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ member नहीं हो सकते, तो अगर आप दोनों houses के member एक साथ हो गए तो क्या होगा, आपको अपनी सीट कोई वैकेंट करनी पड़ेगी. और अब कितने दिन में, विद इन 10 डेज, और अगर आप 10 दिन में नहीं करते हो तो राज्यसभा सीट बिकम वैकेंट ऑटोमेटिकली. और अगर आप लोकसभा के मेंबर हो राज्यसभा के बन जाते हो तो लोकसभा की वैकेंट हो जाएगी, और राज्यसभा के हो लोकसभा की मेंबर बन जाते हो तो राज्यसभा की सीट वैकेंट मानी जाएगी ऑटोमेटिकली. अगर आप 2 सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हो और दोनों पे अगर आप जीत गए तो आपको एक छोड़नी पड़ेगी तुरंत, नहीं छोड़ोगे तो दोनों सीट वैकेंट हो जाएंगी आपकी, तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी. आप एक ही सीट पे ओथ ले पाओगे, 2 सीट पे आप एक साथ ओथ नहीं ले सकते. दूसरी, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी अपॉइंट हो जाते हो, इलेक्ट हो जाते हो, तो आपको अपना मेंबर ऑफ मेंबरशिप पार्लियामेंट छोड़नी पड़ेगी. और आप स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हो तो आपको स्टेट लेजिस्लेचरशिप छोड़नी पड़ेगी, मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आपको छोड़नी पड़ेगी.
और अगर आप नहीं छोड़ते हो, अगर आप मेंबर हो एक हाउस के और स्टेट लेजिस्लेचर के जाते हो या वाइस वर्सा, और आप नहीं छोड़ते हो, तो विद इन 14 डेज आपको छोड़नी होगी। और विद इन 14 डेज अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या मेंबरशिप जो आपकी पार्लियामेंट की, खत्म हो जाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर ही बने रहोगे आप, ठीक है। और एंड इफ एन इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वॉइड, तो आपकी सीट वैकेंट मानी जाएगी। सो दीज आर दी यू नो वेरियस ग्राउंड्स ऑन विच योर मेंबरशिप डजंट स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, बट योर सीट हैज़ टू बी वैकेंट बाई यू या इट विल बी बिकम ऑटोमेटिकली वैकेटेड। सो दीज आर दी ग्राउंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये टिप्स पे याद होने चाहिए आपको। 14 डेज 10 डेज का जो एक क्लॉज है कि 10 दिन में आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर आप हो जाते हो, अदरवाइज आपकी राज्यसभा की वैकेंट हो जाएगी। 14 दिन में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज आप ये स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज आप मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट आपकी लूज हो जाएगी। तो ये विद इन 14 डेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। टिल देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट एवर फॉरगेट टू प्रेस दी नोटिफिकेशन बटन एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।